बरेली के प्रधान डाकघर में बुधवार को सुकन्या समृद्ध महोत्सव मनाया गया, जिसमें बरेली के मेयर उमेश गौतम बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान मेयर उमेश गौतम ने बताया कि बरेली जिला सरकार की तमाम योजनाओं में पहले स्थान पर रहा है, इसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि आधी आबादी ने देश में अपना वर्चस्व कायम किया है, महिलाओं ने खेल जगत समेत तमाम क्षेत्रों आदि में अपना परचम लहराया है, सुकन्या समृद्ध योजना से बेटियों को लाभ मिल रहा है, उनके भविष्य को उज्जवल बनाया जा रहा है। वहीं पोस्टमार्टर जनरल संजय सिंह ने बताया कि अभी तक जिले में 6 लाख के करीब खाते खोले गए हैं, जिनके आधार पर मंडल में बरेली जिला पहले और देश में 11वें स्थान पर रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 10 अक्टूबर तक अभियान चलाकर सुकन्या समृद्ध महोत्सव मनाया जाएगा, जिसके तहत सभी घरों से संपर्क कर लोगों को योजना की जानकारी देने के साथ खाते खुलवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसमें सभी डाकघर, उप डाकघर और ग्रामीण शाखा डाकघर के कर्मचारी काम कर रहे हैं। बरेली के प्रधान डाकघर में आयोजित सुकन्या समृद्धि महोत्सव में 10 साल तक की बच्चियों के सुकन्या समृद्धि खाते खोलकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है, मैं सुभाष नगर का निवासी हूँ और आज जो आज़ादी के अमृत महोत्सव में सुकन्या समृद्धि महोत्सव मनाया जा रहा है बरेली डाकघर में, मैंने इसमें अपनी बच्ची के लिए ये खाता खुलवाया है, इसके भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, और इस बहुत अच्छी योजना है और जितनी भी बेटियों के माता पिता हैं उनसे अनुरोध है कि ये जो अच्छी योजना है इसका लाभ उठाएँ और अपना खाता डाकघर में सुकन्या या डाकघर में अपना खाता खुलवाएँ। 15 सितंबर से 30 सितंबर तक भारतीय डाक विभाग सुकन्या महोत्सव मना रहा है, उसी क्रम में बरेली परिक्षेत्र भी अपने अंतर्गत आने वाले 10 मंडलों में विभिन्न तारीखों पर सुकन्या महोत्सव मना रहा है। आज दिनांक 28 तारीख को बरेली मंडल ने प्रधान डाकघर परिसर बरेली में सुकन्या महोत्सव का आयोजन किया, इसके माध्यम से घर घर तक पहुंचकर छोटे बच्चियों से को प्रोत्साहित करना, उनके माँ बाप को प्रोत्साहित करना और उन्हें अपने बच्चियों का सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाकर उन्हें भविष्य के लिए आर्थिक रूप से सशक्त करने का उद्देश्य रहा है और उसी क्रम में हम लोग पहले भी काम करते रहे हैं, आज भी कार्यक्रम उसी क्रम में था और इसमें बहुत सारे लोगों ने, छोटे छोटे बच्चियों के माँ बाप ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने छोटी बच्चियों के अकाउंट प्रधान डाकघर परिसर व अन्य उप डाकघरों में खुलवाए। अभी तक सर कितने खाते इससे सरकार के तहत खुल चुके हैं? बरेली परिक्षेत्र में अब तक 6 लाख से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। पिछले वर्ष इस योजना के तहत लगभग 1 लाख खाते खोले गए थे और इस वर्ष भी उसी गति से, बल्कि उससे बेहतर गति से काम चल रहा है और हमें उम्मीद है कि हम लोग पिछले वर्ष से अधिक खाते खोलने में कामयाब होंगे। प्रधान डाकघर में जो केंद्र सरकार की योजना है समृद्धि सुकन्या योजना, उसका आज यहाँ कार्यक्रम था, जिसमें बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं जो 6 महीने की, 8 महीने की, 11 महीने की और 2 से 5 साल तक की, उनके अभिभावकों ने आज यहाँ खाते खोले हैं, उनको पासबुक का वितरण किया गया है। तो मैं ऐसे सभी जागरूक माँ बाप को मैं बधाई भी देना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी बच्ची का भविष्य आज तय कर लिया है कि आने वाले समय में जब वो बड़ी होगी और ग्रेजुएशन में होगी तब उसकी शिक्षा में कोई दिक्कत ना आए, जब उसकी शादी होगी तब उसमें कोई दिक्कत ना आए और आने वाले भारत में जो युवाओं का भारत है उसमें वो एक समृद्धशाली और एक शक्तिशाली नारी के रूप में खड़ी हो, उसके लिए मैं उनको पुनः बधाई देता हूँ। और यहाँ के जो पोस्ट मास्टर जनरल और सीनियर यहाँ के अधिकारीगण हैं उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अथाह मेहनत की है जिससे कि जगह जगह जन जन में ये योजना फैली है, जितने लोगों को आपके माध्यम से भी पता लग सकता है उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुकन्या समृद्धि योजना में आप भी खाता खुलवाएँ और अपनी बेटी को भारतवर्ष की एक मजबूत बेटी बनाएँ।